महिला सशक्तिकरण की देश भर में बात होती है, महिलाओं को साथ चलने की बात होती है और आज की तारीख में महिलाएं बहुत कुछ कर भी रही हैं, ये भी किसी से नहीं छिपा है। लेकिन बात अगर जम्मू और कश्मीर की हो, खासकर घाटी की बात करें, तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन फिर भी महिलाएं वहाँ इस काबिल हैं कि वो कुछ भी कर गुजर सकती हैं। दरअसल हम बात अब उड़ी की कर रहे हैं। उड़ी में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टूर का आयोजन किया गया है और इस टूर में कई युवा महिलाएं हिस्सा ले रही हैं और उनकी प्रतिभा को किस तरह से निखारा जाए उसको लेकर इस टूर की आयोजन किया गया है। दरअसल ये महिलाएं जो हैं वो बेंगलुरु और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जाएंगी और यहाँ पर पहुंचकर वो विज्ञान, फैशन डिज़ाइनिंग और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगी। और इस तरह का जो कार्यक्रम है वो बेहद ही एक तरीके से अच्छी पहल मानी जा सकती है और ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टूर को जो आयोजन कर रहे हैं वो है गैरिसन उड़ी के स्थानीय राष्ट्रीय राइफल यूनिट, यानी कि जो राष्ट्रीय राइफल यूनिट है उसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इस टूर का आयोजन किया गया है जो 2 मई से 11 मई तक चल रहा है। आपको ये बता दिया जाए, इस टूर के तहत तकरीबन 16 युवा महिलाएं हैं जो बेंगलुरु और दिल्ली उनको ले जाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि उड़ी के युवा महिलाएं जो हैं वो विज्ञान, फैशन डिज़ाइनिंग और दूसरे उद्योग के क्षेत्र में कई रोज़गार के अवसरों के बारे में जागरूक हो सके। मैं उड़ी से हूँ और हम इस टूर में हमने ये सीखा, मैं पहले डॉक्टर बनना चाहती थी बट जब मैं इस टूर पर गई और अभी भी बनना चाहती हूँ, ये नहीं है कि मैं बनना नहीं चाहती हूँ, बट जब अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे जैसे IT कंपनीज, फाइनेंस में क्वालिफिकेशन फाइनेंस होनी चाहिए, इन्फोसिस, ओरेकल, मेट्रो कंपनी, बहुत सारी ऑप्शन थे जिससे मैं अपना फ्यूचर अच्छे से बना सकती हूँ। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सद्भावना जिन्होंने हमें ये मौका दिया, हमें बाहर इतना कुछ दिखाया जो हमने पूरी लाइफ में कुछ नहीं देखा था। आप इससे पहले गए थे बाहर? नो, ये पहला मौका था आपके लिए और बहुत 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 एक्सपीरियंसफुल था ये।